SC ST एक्ट में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुना है। कोर्ट ने आज एक्ट में किए अपने बदलावों को वापस ले लिया है। यह फैसला केंद्र सरकार और SC ST समूहों की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया गया है। तो कोर्ट के फैसले पर क्यों मचा था घमासान और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। 20 मार्च 2018 को देश की सर्वोच्च अदालत ने SC ST एक्ट में बदलाव कर नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके बाद देश में ऐसा घमासान मचा कि SC ST समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। यहां तक कि राजनीतिक दलों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया और मोदी सरकार को SC ST समुदाय का विरोधी बताया, जिसके बाद दबाव में आई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने आज कहा कि समानता के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति का संघर्ष देश में अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि SC ST वर्ग के लोग अब भी छुआछूत दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं और उन्हें बहिष्कृत जीवन गुजारना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत SC ST वर्ग के लोगों को संरक्षण प्राप्त है, बावजूद इसके उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव किए थे, उसमें कोर्ट ने एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश दिया था। इसके अलावा मामलों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को 7 दिन के भीतर जांच करनी चाहिए और फिर आगे एक्शन लेना चाहिए। अगर अभियुक्त सरकारी कर्मचारी है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए उसे नियुक्त किए गए अधिकारी की सहमति लेनी जरूरी होगी। कोर्ट के इस फैसले पर काफी हंगामा मचा था, जिसके बाद केंद्र सरकार अग्रिम जमानत का प्रावधान खत्म करने का कानून भी लाई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।